सीधे रुख करेंगे मथुरा पुलिस लाइन, जहां पे दो शहीद पुलिस ऑफिसर्स के पार्थिव शरीर रखे हुए हैं। यहां एसओ और एसपी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मथुरा के पुलिस लाइन का दृश्य, जहां पर सभी पुलिसकर्मी श्रद्धांजलि दे रहे हैं दोनों पुलिस ऑफिसर्स को। पूरे मामले पर यूपी के डीजीपी ने आईबीएन 7 से खास बातचीत की। मथुरा में अब तक क्या हुआ, जावेद आवेदन विस्तार से उनसे जानकारी ली। अभी 19 लोग के डेथ की खबर है, जिसमें कि 11 लोग उस आग में झुलस गए जो उन्होंने खुद लगाई थी। इसके अलावा दो पुलिस के हमारे लोग शहीद हुए हैं, एक एसपी सिटी द्विवेदी साहब और एक संतोष यादव। ये रामब्रीश यादव करके एक व्यक्ति है जो कि जय गुरुदेव, ये जो अनुयायी हैं उनके, उनका एक स्प्लिंटर, उनका एक छोटा सा ग्रुप है। और इसमें रामब्रीश यादव, चंदन बोस, वीरेश यादव और राकेश गुप्ता, ये चार लोग इसके मुख्य लोग हैं। और इन्होंने अपनी एक छोटी सी संस्था बनाई थी। ये तो हिंदुस्तान को एक नई आजादी दिलवाना चाहते थे। इनका पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल सिस्टम में कोई विश्वास नहीं था। और इधर मथुरा मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। सियासी दलों ने घटना को लेकर दुख जताया है, लेकिन साथ ही राज्य सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में महाजंगल राज है और अखिलेश सरकार पूरी तरह से अपराधियों के सामने नतमस्तक है। सबसे पहले ये अपने पीछे, पर्दे के पीछे से जमीन पर कब्जा कराते हैं और जब जनता का दबाव आता है तब वो खाली भी होती हैं। तो पहले कब्जे कराओ, फिर पुलिस को अपराधियों से मरवाओ और एक जांच आयोग वहां बने, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि अल्टीमेटली उनको कौन समर्थन दे रहा था, किसकी सेब पर उन्होंने सरकार के जो मुलाजिम है पुलिस है उस पर गोली चलाई। जब पुलिस के एसपी का मर्डर हो सकता है, जब वहाँ के एसएचओ का मर्डर हो सकता है और तमाम लोग पुलिस के और बाकी लोग भी घायल हो सकते हैं, और उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये पहली बार हम देख रहे हैं कि पुलिस के एसपी को इस तरह से मारा जा रहा है और वहाँ पर खदेड़ कर गुंडे लोग एक कानून को अपने हाथ में लिए हुए राजपाट चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निरीह बनकर बैठे हुए हैं अखिलेश यादव, उनसे सरकार चल नहीं रही है, इसलिए वो तो या तो त्याग पत्र दें, और नहीं देते हैं तो मैं समझता हूँ महामहिम गवर्नर साहब से रिपोर्ट मंगा करके उसकी सरकार को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें कोताही रही है, वरना इतनी बड़ी घटना मैं समझता हूँ कि वो होना असंभव था। और पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मथुरा में मौजूद हैं, हमारे सहयोगी अमित पांडे, उनसे बात करेंगे। अमित, ये इतना बड़ा जखीरा, 3000 के करीबन लोग जमा है, ये आखिर इनको इनको कहां से ये सारी चीजें, रसद, खाना पीना कहां से मिलता था, सहयोग कहां से मिलता था, इस पर अब पुलिस कहीं ना कहीं निगाह डाल रही होगी और इंटेलिजेंस के पास इसकी जानकारी होगी। क्या कुछ मिल पा रहा है कि कहां से इनको तमाम रसद मिल रही थी, चाहे वो सहयोग के रूप में ही हो? देखिए पिछले कई समय से इनके पास ही, जब यहाँ थे तो इनको हटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये लोग हट नहीं रही थी और बेहद भारी मात्रा में पुलिस के मुताबिक जो हैं वो हथियार वहाँ पर मिले हैं। तो एक पूरा का पूरा चेन है, एक रैकेट है अभी तक फिलहाल पुलिस के मुताबिक। और अभी फिलहाल पुलिस ने इसमें कई लोगों को हिरासत में रखा है और करीब एक घंटे बाद यहाँ पर डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों एक साथ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब उसमें बताएंगे कि आखिरकार कितने लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और कहां से ये आर्म्स एंड एम्यूनेशन आते थे। लेकिन जिस तादाद में हमला हुआ है पुलिस बल पर और जैसे आर्म्स एंड एम्यूनेशन बरामद हुए हैं, एक पूरे के पूरे एक रैकेट से
पुलिस इस मसले को जोड़कर देख रही है। शुक्रिया जानकारी के लिए, लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है राम वृक्ष यादव, इस पूरे मामले में उनकी क्या है भूमिका और क्या है उनका इतिहास, बता रही हमारी सहयोगी स्वाति नेगी। मथुरा में हुए इस पूरे खूनी संघर्ष के पीछे आखिर किसका हाथ है, ये बताते हैं आपको। स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह संगठन, यही उस तथाकथित एनजीओ का नाम है जो पिछले 2 साल से जवाहर बाग में कब्जा जमाए बैठा था। इस संगठन की मांगे भी बड़ी अजीबोगरीब है। इस संगठन का मुखिया है राम वृक्ष यादव। राम वृक्ष गाजीपुर के मरदहा का रहने वाला है। राम वृक्ष पर यूपी में कई मामले दर्ज हैं। इस पूरी गोलाबारी के बाद से राम वृक्ष फरार है। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं और इस अहम खबर पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी।